प्रायोजक है होटल फाइव सेंसेस एके टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिनभर। मैं हूं आलोक सिंह। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हत्या का प्रयास करने के आरोप में पुलिस मुठभेड़ में एक घायल, एक अन्य अभियुक्त व दो बाल अपचारियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रामगढ़ताल थाना क्षेत्र में पुलिस से मुठभेड़ में 25,000 का इनामी घायल। 1 से 15 अप्रैल तक यातायात पुलिस चलाएगा विशेष अभियान। सड़कों पर अवैध अतिक्रमण करने वालों पर भी होगी कार्रवाई। और मसीही समाज ने प्रभु यीशु के यरूशलम में प्रवेश करने और ताड़ की शाखाओं को लहराते हुए किया अभिवादन। विगत 29 मार्च को पूर्व की रंजिश में हिस्ट्री शीटर व पूर्व प्रधान शशि मौली शुक्ला को रामगढ़ताल थाना क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर मौके से फरार हो गए थे, जिसमें शशि मौली शुक्ला को 4 गोलियां लगी थी। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस टीम गठित करते हुए जाँच की जा रही थी, जिसके क्रम में पुलिस मुठभेड़ में घटना में शामिल आकाश कुमार को गोली लगी और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं उसके अन्य साथी रितेश शुक्ला व दो बाल अपचारियों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। इस पूरी घटनाक्रम में मास्टरमाइंड अर्पित शुक्ला, देवेश द्विवेदी व रौनक शुक्ला अभी भी फरार हैं, जिन पर SSP ने 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया है। पुलिस मुठभेड़ में भागे अपराधी रितेश शुक्ला के पास से पुलिस ने 2 पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद की है। चलिए, थैंक यू। हाँ, पढ़ जाए। इस संबंध में पुलिस लाइन से व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता कर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया। जनपद गोरखपुर के थाना रामगढ़ ताल क्षेत्र में 29 तारीख को शशि मौली शुक्ला निवासी थाना बेलीपार ग्राम कनैल, उनके ऊपर एक प्राणघातक हमला किया गया था, जिसमें कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जब वो अपने निर्माणाधीन घर से बाहर निकल रहे थे उनके ऊपर फायरिंग की गई थी, जिसमें कि उनको 4 बुलेट इंजरी आई थी। तत्काल उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, वो उपचाराधीन है, उनकी स्थिति सामान्य बनी हुई है। उल्लेखनीय है कि संबंधित मजरूब जो हैं ये थाना बेलीपार के हिस्ट्री शीटर हैं और पूर्व में ग्राम प्रधान भी रहे हैं। इस घटना के संबंध में उनके द्वारा धारा 307 का एक मुकदमा थाना रामगढ़ताल पर पंजीकृत किया गया, जिसमें एक अर्पित शुक्ला नाम के व्यक्ति जो कि उसी के गांव के रहने वाले हैं उसको नामजद किया गया। इस घटना के संबंध में पुलिस की एक विशेष टीम SP सिटी साहब, CO कैंट, SHO कैंट और SWAT सर्विलांस की सभी टीमों को इस गंभीर घटना के लिए लगाया गया। इस घटना का सफल अनावरण कर लिया गया है। इस घटना में संलिप्त रहे एक व्यक्ति आकाश, जिसको कि कल रात मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया, इनके एक अन्य साथी रितेश, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है, और इसके साथ साथ दो बाल अपचारी जो इस घटना में कार्य करने में और इस घटना की प्लानिंग में सम्मिलित रहे उनको भी अभिरक्षा में लिया गया है। इसके अतिरिक्त अभी इस घटना को कार्य करने वाले दो मुख्य अभियुक्त अर्पित और देवेश वांछित हैं, जिनके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। इस घटना की पृष्ठभूमि ये है कि जो जिनको की गोली मारी गई है उनके हिस्ट्री शीटर रहे हैं और उनके द्वारा 1995 में नामजद अभियुक्त अर्पित के बाबा की हत्या की गई थी, जिसमें वो जेल गए थे, और इससे पहले कई साल पूर्व अर्पित पक्ष के व्यक्तियों द्वारा
इन हिस्ट्री शीटर या मजरूब के पिताजी की या उनके भी किसी बुजुर्ग की भी वहाँ पे हत्या हुई थी। तो हत्याओं की जो पृष्ठभूमि उस थाने उस गांव की है, वही इस घटना की भी पृष्ठभूमि है। अर्पित द्वारा अपने बाबा की हत्या का बदला लेने के लिए इस घटना को कारित करने की योजना बनाई गई। यंग लड़कों को अपने गैंग में शामिल करके उनको हथियार मुहैया कराए गए और इस घटना को कारित करने के लिए 29 तारीख को ये लोग बेलीपार से चल कर के घटनास्थल पर आए और आकर के इनके द्वारा मजरूब के ऊपर फायरिंग किया गया। इस घटना में जो कारित करने में यूज़ हुई जो मोटरसाइकिल है वो बरामद कर ली गई है। इसके अतिरिक्त दो पिस्टल जो कि घटना में यूज़ हुई हैं वो भी बरामद हुई हैं। एम्युनिशन भी इसमें बरामद हुआ है। जो वांछित अभियुक्त अर्पित है इसके ऊपर 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। जल्द ही इसको अरेस्ट किया जाएगा। इस गैंग के अन्य मेंबर्स जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से वेपन्स का आदान प्रदान या गैंग मेंबर्स को जोड़ने के लिए जो चल रहा था, उसके लिए एक अलग जांच टीम बनाई गई है। इस गैंग मेंबर्स को चिन्हित किया जा रहा है। इन सब के ऊपर बहुत कठोर कार्रवाई आने वाले दिनों में की जाएगी। गैंगस्टर और 14A की कार्रवाई के साथ साथ गैंग पंजीकरण की भी कार्रवाई इनके ऊपर की जाएगी। सर, असला कहां से लाए? देखिए, ये इसमें जो नामजद अभियुक्त अर्पित है इसके द्वारा, क्योंकि ये घटना की पूरी साजिश रची गई थी, इसके द्वारा ही असलह सबको प्रोवाइड किया गया था। जैसे ही वो अरेस्ट होगा तो असलह कहाँ से लिए गए हैं वो भी चीज़ सामने निकल करके आ जाएगी। देखिए, जो इसमें नामजद अभियुक्त अर्पित है उसके ऊपर पहले के भी मुकदमे हैं। इसके अलावा इसके द्वारा यंग लड़कों को, जैसे कि मैंने बताया कि दो बाल अपचारी भी इस घटना में शामिल थे, उनको भी हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा आजमगढ़ से भी इसके द्वारा अपने कॉन्टैक्ट्स के माध्यम से बुलाया गया था, जो कि मुठभेड़ में अरेस्ट हुए हैं। तो एक गैंग के रूप में इसके द्वारा बनाया जा रहा था जिसके कि मेंबर्स यहां पर अरेस्ट हुए। देखिए, अभी इसमें अर्पित की गिरफ्तारी होना शेष है। उसकी गिरफ्तारी होने के बाद इस घटना से संबंधित और भी कई तथ्य और बातें प्रकाश में आएंगी, जिसको कि आने वाले दिनों में आपसे शेयर किया जाएगा। शनिवार की देर रात भगत चौराहे के पास पूर्व प्रधान और हिस्ट्री शीटर शशि मौली शुक्ला को गोली मारने में शामिल बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया, जिसकी पहचान आकाश कुमार के रूप में हुई है, जो मूलतः आजमगढ़ जनपद का रहने वाला है। पुलिस ने इसके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित कर रखा था। पहले क्यों किया गया था? पहले मुझे पता नहीं था कैसे करके भी हो जाएगा, तो सारे मिल गए। अब मन में लग रहा है एक तरफ की तीसरा, अब लग रहा है बहुत गलत अब ऐसे क्या गारंटी सर अगर हो जाएगा? इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण वैष्णोई ने बताया, गोरखपुर के थाना रामगढ़ताल की जमीनी गार्डनिया सोसाइटी के सामने शाम के समय सघन चेकिंग चल रही थी। करीबन 1:10 पे एक ऐसी बाइक आई जिसको पुलिस ने रोकने का इशारा किया, लेकिन वो नाकाबंदी पे नहीं रुकी और आगे भागने लगी। उसके बाद में पुलिस ने अगले नाके पे बताया और प्रॉपर तरीके से चेकिंग करने के लिए बताया, लेकिन वहां पे बाइक वाले को रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पे फायर किया। जवाबी कार्रवाई में सिखलाए हुए तरीके से पुलिस ने जवाबी फायर किया, उसमें एक अभियुक्त को पांव में गोली लगी और वो वहीं गिर पड़ा। उसके बाद में वहां से उसको अस्पताल ले जाया गया है। बाद में पूछताछ किया गया, पता चला कि उसका नाम आकाश है और वो 29 तारीख को एक शशि मौली नामक व्यक्ति को पिस्टल से फायर किया गया था उसके ऊपर, उसको 4 राउंड गोली लगी थी। उसकी अभी भी क्रिटिकल कंडीशन में है। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह, हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडा, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935908। नमस्ते, मैं प्रिया बिरसा,
आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। हाय, मैं विशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। मैं हूँ दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी वन गोरखपुर का नंबर वन चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। हाय मनमीत। हाय मनमीत, विद मी ब्रोस। और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए देखते हैं दिनभर। शासन के निर्देश के क्रम में 1 से 15 अप्रैल तक यातायात पुलिस कर्मियों द्वारा सघन चेकिंग व अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक यातायात डॉक्टर एमपी सिंह के नेतृत्व में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में यातायात पुलिस कर्मियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। बैठक में शासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का शत प्रतिशत पालन करने के साथ ही चौक चौराहों पर अवैध अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही गई है। कि आप लोग बेहतर से बेहतर काम करें, यातायात संचालन के साथ साथ सड़क पर किसी भी प्रकार की समस्या तो 108 करके एम्बुलेंस दिलवा दीजिए। किसी को सड़क पार करना है तो उसको सड़क पार करा दीजिए। अचानक कोई बेहोश हो गया है तो उसके लिए हॉस्पिटल खुद पहुंचा दीजिए, पानी पिला दीजिए, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दीजिए जिसकी ट्रेनिंग आप लोगों को दी जा चुकी है। तो नागरिकों के वेलफेयर में, नागरिकों के कल्याण में आप जो भी कार्य कर सकते हैं उसको करने की पूरी आप लोग कोशिश करें। यातायात संचालन के साथ साथ मानव की सेवा जो हम कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी लोगों ने अच्छा काम किया है और इनकी नए आने वालों की ट्रेनिंग करा दीजिए, इनका इंडोर भी और आउटडोर भी। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात डॉक्टर एमपी सिंह ने बताया, यातायात पुलिस कर्मियों की रेगुलर मासिक समीक्षा बैठक की है। इसके साथ साथ शासन से और मुख्यालय पुलिस महानिदेशक से जो निर्देश प्राप्त हुए हैं, 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक विशेष अभियान चलाया जाना है। उसमें यातायात कर्मियों के लिए विशेष रूप से मैंने इनके लिए संवेदनशील बनाया है कि जहाँ चौराहे पर आप रहते हैं, चौराहे के आसपास किसी भी प्रकार का अतिक्रमण, चाहे किसी होर्डिंग के द्वारा किया जाए या किसी फल सब्जी के ठेले खोमचे के द्वारा किया जाए अथवा ऑटो टेम्पो वाले हैं, इन लोगों का चौराहे के पास किसी भी प्रकार से जमावड़ा ना हो जिससे यातायात सुचारू रूप से चलता रहे। इस संबंध में सभी ट्रैफिक कर्मियों के लिए संवेदनशील बनाया गया और इनके लिए यातायात संचालन के साथ साथ नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण से संबंधित या सड़क पे किसी प्रकार की कोई इमरजेंसी हेल्प किसी जनता के व्यक्ति को चाहिए तो उसमें भी मदद करें, इस बारे में सभी को जागरूक किया गया और मोटिवेट किया गया। मसीही समाज के लोगों ने रविवार को खजूर रविवार के रूप में मनाया। बता दें, प्रभु यीशु के यरूशलेम में प्रवेश करने और ताड़ की शाखाओं को लहराते हुए मसीही समाज ईसाई ग्रंथ की इस घटना को याद कर मनाता है और प्रभु यीशु के स्वागत और उनके पीछे चलने की इच्छा की याद दिलाता है, जिसके क्रम में शहर के कई प्रमुख गिरजाघरों में कैरल संगीत के माध्यम से ईसाई धर्म ग्रंथ की घटना को याद करते हुए प्रभु यीशु के बताए गए मार्ग पर चलने का प्रण लिया गया। आगे
इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए शमेला जॉनसन ने बताया, पाम संडे या खजूरी इतवार ये ईसाई धर्म के अनुयायियों का प्रमुख त्यौहार है। पाम संडे एक पवित्र सप्ताह की शुरुआत के रूप में मनाया जाता है। इसका समापन ईस्टर के द्वारा होता है। बेसिकली ईस्टर सबसे आखिरी प्रोग्राम होता है इसका। पाम संडे दक्षिण भारत में प्रमुखता के साथ मनाया जाता है। इसे पैशन संडे भी कहा जाता है। ये इस दिन ईसाई समुदाय के लोग प्रभु यीशु के यरूशलम में विजयी प्रवेश के रूप में भी मनाते हैं। पवित्र बाइबल में भी इसका बहुत अच्छी तरह से उल्लेख है, जिसमें कहा गया है कि प्रभु यीशु यरूशलम पहुँचे तो उनके स्वागत में बड़ी संख्या में लोगों ने खजूर की डालियां और हाथों में लहराते हुए उनका बहुत जोर शोर से स्वागत किया था। दिन भर में बस इतना ही, आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हत्या का प्रयास करने के आरोप में पुलिस मुठभेड़ में एक घायल, एक अन्य अभियुक्त व दो बाल अपचारियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रामगढ़ताल थाना क्षेत्र में पुलिस से मुठभेड़ में 25,000 का इनामी घायल। 1 से 15 अप्रैल तक यातायात पुलिस चलाएगा विशेष अभियान। सड़कों पर अवैध अतिक्रमण करने वालों पर भी होगी कार्रवाई। और मसीही समाज ने प्रभु यीशु के यरूशलम में प्रवेश करने और ताड़ की शाखाओं को लहराते हुए किया अभिवादन। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।